हेलो एवरीवन, गिटमा यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। इस वक्त टीम गिटमा यूनिवर्सिटी है तुमकुर में। जो अगला कॉलेज हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है SSMC तुमकुर, जो कि एक टीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेलिटी, ये हाईवे पे लोकेटेड है कॉलेज। जो सिटी एरिया है वो अबाउट 6-7 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट, और छोटे मोटे शॉप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग कॉलेज के कैंपस के अंदर में जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक कॉलेज का कैंपस है और इसे हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ की एकेडमिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, पेशेंट इनफ्लो कैसा है, सब कुछ। और उसके बाद में आपको इसकी डिटेल में हम ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे, तो हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। तो अभी हम लोग कॉलेज की कैंपस में, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर। ये OPD ब्लॉक है जहाँ भी हम लोग जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये कॉलेज बिल्डिंग, नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, और भी प्रोग्राम्स के बारे में हम पता करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे है। तो एक लेआउट आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि कॉलेज का ये पूरा एरिया किस तरीके से डेवलप्ड है। और जो इनिशियल हमारा जो रिमार्क है कॉलेज को देख करके, एक सेटल्ड कॉलेज लग रहा है, क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि 1988 में इस्टेब्लिश ये कॉलेज हुआ था, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है। सामने में आप देख सकते हैं ये लिविंग एरिया यानी कि एकोमोडेशन यहाँ पे हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल सामने में हमें दिख रहा है। राइट हैंड साइड पे नर्सिंग हॉस्टल है, कॉलेज बिल्डिंग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से टीचिंग क्वार्टर्स, तो काफ़ी बड़ा कैंपस है। तो कॉलेज के पास में काफ़ी स्पेस है, कॉलेज जिस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है वो कर सकती है। ये PG हॉस्टल है जो सामने आप देख रहे हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है कैंपस, जो कि बोलूँगा वेल मेंटेन्ड है। तो कॉलेज का ये बैक एरिया है जहाँ पे PG हॉस्टल्स हैं। इसके पहले आपने देखा PG गर्ल्स हॉस्टल, और अब हमारे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देख सकते हैं PG बॉयज़ हॉस्टल है। तो काफ़ी बड़े एरिया में कॉलेज को डेवलप किया गया है। और अभी हमारे सामने एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है जहाँ पे बास्केटबॉल और कुछ अदर गेम्स की ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पे। तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे, आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो टीचिंग क्वार्टर्स है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये प्लेग्राउंड का एरिया है राइट हैंड साइड पे, जिसका एक आपको ओवरव्यू हम लोग दिखाते हैं अभी। आप ये एक ऐसा जगह होता है जो कि हर स्टूडेंट पसंद करता है, क्योंकि काफ़ी टफ प्रोग्राम है और इसके बीच में अगर थोड़ा लीजर टाइम मिले तो हर कोई अपने आप को रिफ्रेश करना चाहता है, और हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी यूजफुल है। हेलो एवरीवन, टीम गिटमा यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं हूँ आशीष। कॉलेज रिव्यू के टूर पर हम लोग निकले हुए हैं, और इस वक्त हम लोग कर्नाटक के तुमकुर में हैं। और जो कॉलेज हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, इस कॉलेज का नाम है श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर। ये एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी पुराना है, 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था इस कॉलेज को, तो काफ़ी समय हो चुका है इस कॉलेज को ओपन किए हुए। कॉलेज के बारे में मैं बताऊं तो कॉलेज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, हर चीज़ यहाँ पर आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज नज़र आएगी। आप कॉलेज की अगर बात करें लोकेलिटी की, तो कॉलेज सिटी एरिया से अबाउट 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, हाईवे पे लोकेटेड है कॉलेज। जब आप कॉलेज से एंटर करेंगे आपको काफ़ी एक ग्रैंड फील आएगा, क्योंकि जिस तरीके का अप्रोच है वहाँ पे, जिस तरीके का आपको डेवलपमेंट नज़र आएगा वहाँ पे, आपको लगेगा कि कॉलेज एक वाकई में एक सेटल्ड कॉलेज में आप आए हैं। अब बात करते हैं यहाँ के एकेडमिक्स की, काफ़ी पुराना कॉलेज है तो हर चीज़ें यहाँ पर सेटल आपको नज़र आएंगी। एकेडमिक के बारे में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट अब तक नहीं मिला किसी से। पेशेंट इनफ्लो के बारे में मैं आपको बताऊं
तो हर डिपार्टमेंट में एक अच्छा डिसेंट पेशेंट फ्लो देखने के लिए मिल रहा था। कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट थे जैसे सर्जिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एक्सपोजर मिलेगा आपको। रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम जब गए वहाँ पे भी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आए। तो अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ में जो स्टूडेंट पीजी के बारे में सोच रहे हैं, जो पीजी परस्यू करना चाहते हैं, वो भी इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट में 150 सीट्स हैं यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में मोर देन 90 सीट्स हैं और सारे मेजर डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे और अच्छे खासे नंबर्स हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रोग्राम के बारे में जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं तो इस कॉलेज को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। कॉलेज का लेआउट काफ़ी अच्छी तरीके से वेल प्लान तरीके से बनाया गया है। फ्रंट पे आपको कॉलेज का हॉस्पिटल ब्लॉक मिलेगा, जहाँ पे आपको दोनों साइड पे, एक साइड पे आपको स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलेगी, दूसरे साइड में आपको टीचिंग हॉस्पिटल नज़र आएगा। पीछे साइड पे जब आएंगे आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये है आपका स्किल्स एंड सिमुलेशन सेंटर, जहाँ पे आपके बहुत सारे डेवलपमेंटल अप्रोच को देखा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है कॉलेज बिल्डिंग और इसके पीछे का जो एरिया है वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ साथ में पीजी हॉस्टल्स के लिए रखा गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं सामने का एरिया, यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, यानी कि ये यूजी हॉस्टल का एरिया है और इस तरफ पूरा कॉलेज का मेन हॉस्पिटल एरिया होता है। अगर कॉलेज के आसपास के एरिया में आपको मैं डेवलपमेंट के बारे में बताऊं, तो आपको छोटे मोटे शॉप्स नज़र आ जाएंगे। जो मेन सिटी एरिया है वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप कभी भी एज एंड व्हेन प्लान करके आप जा सकते हैं वहाँ पे, अपनी चीज़ों को आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। जब आप कॉलेज में आएंगे, कॉलेज के अंदर की सारी फैसिलिटीज जब आप देखेंगे, तो आपको हर तरफ एक प्लान में भी चीज़ें नज़र आएंगी, चाहे वो कॉलेज का हॉस्पिटल हो जहाँ पे आपको कंप्लीट नीट एंड क्लीनलीनेस आपको नज़र आएगा। आप जिस भी फ्लोर पे जाएंगे आपको हर कुछ ऑर्गेनाइज नज़र आएगा, एकेडमिक ब्लॉक, फिर आप हॉस्टल्स की तरफ में जाएंगे तो आपको हर तरफ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नज़र आएंगी। एवरेज पेशेंट फ्लो की अगर बात करें इस हॉस्पिटल में, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा, जितना टाइम हमने बिताया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने देखा जा करके, तो हमें काफ़ी अच्छा नंबर्स नज़र आया और मोर देन 1000 का एक पेशेंट का लोड यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। और लगभग डिपार्टमेंट्स में अच्छे केसेस दिख रहे हैं। पीजी के स्टूडेंट से भी जब हमने बात की तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अबाउट 35-40 केसेस का लोड उनको मिल रहा है, जो कि एक अच्छा नंबर्स होता है। बाकी डिपार्टमेंट्स को भी लेकर के इसी तरीके का फीडबैक मिला है। तो ओवरऑल बोलूँगा कि एक सीखने के हिसाब से, पढ़ाई और सीखने के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज है। कंसिडरिंग द कॉस्ट, अगर आपका स्कोर लोअर साइड पे है, अगर आप बजट मैनेज कर सकते हैं, तो इस कॉलेज को ज़रूर आपको कंसीडर करना चाहिए। तो हमारी तरफ से जो फीडबैक है कॉलेज को लेकर के यही है कि ये कंसीडर करने लायक कॉलेज है। अंडर ग्रेजुएट में अबाउट 95-1 crore का आपको बजट लेकर के चढ़ना होगा अगर आप MBBS यहाँ से करना चाहते हैं। थैंक यू, हमारे साथ में बने रहिए। अगले कॉलेज के लिए बहुत जल्द आपके साथ में हम जुड़ेंगे।